प्रत्येक जन जितने भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उनसे अपील कर रहे हैं कि हम 14 तारीख को 10 बजे अपने ग्राम पचोखर से मैरवा बाबा हरिराम के दर्शन करते हुए सीमान कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। और आप सभी भाइयों से आग्रह है, विनती है कि आप हमारे साथ चलें और हमारा मनोबल बढ़ावें। जय भारत। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है, वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आरजेडी के समर्थित एमएलसी उम्मीदवार विनोद जायसवाल का आज लगातार दौरा हुसैनगंज प्रखंड के अलग अलग इलाकों में चला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि विनोद जायसवाल मचकना से होकर के और प्रतापपुर गांव में वहाँ की जो मुखिया हैं उनके घर पर बैठे हुए हैं। तमाम प्रतिनिधियों से मिले और वहाँ पर मिल करके कल यानी कि 11 तारीख को विनोद जायसवाल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए तमाम लोगों को विनोद जायसवाल ने आमंत्रण दिया कि आप लोग सुबह में सिवान के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर पहुँचे और वहीं से हम लोग कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इनके साथ प्रखंड अध्यक्ष जो हुसैनगंज के धनंजय सिंह कुशवाहा, राजद के जो युवा नेता हैं विक्रांत सिंह, सहित तमाम आरजेडी के कई लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि, तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। लगातार इनका धुआंधार दौरा चल रहा है। विनोद जायसवाल, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम प्रतिनिधियों के साथ विक्ट्री दिखाते हुए और जीत, इनका कहना है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। तो बिल्कुल आपको फिर से बताते चले कि विनोद जायसवाल जो कि आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार हैं, 11 तारीख यानी कि कल शुक्रवार को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद अब देखना होगा कि सिवान की एमएलसी की लड़ाई किस करवट लेती है। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। पूरे लोग हम लोग के पक्ष में हैं, जितने भी जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं वो हम लोग के पक्ष में हैं और खुल के सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो हवा पानी लोग बना रहे हैं बिल्कुल हवा हवाई हैं, कहीं ज़मीन पर वो लोग नहीं हैं, ठीक है। हम लोग चुनाव ये जीत चुके हैं, एक कोरम है जो वोटिंग का वो वोटिंग होगा, लेकिन चुनाव हम लोग निकाल चुके हैं, कहीं से कोई दुराय नहीं है। और जो लोग हवा पानी दिखा रहे हैं वो कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्तिगत चेहरा है विनोद जायसवाल जी का, वो यहाँ पे किसी का नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मृदुल स्वभावी विनोद जायसवाल जी सिवान के लिए कुछ ना कुछ सोच समझ के अपना एक मार्गदर्शन तय किए हैं, मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये अपील भी कर रहे हैं कि हम अगर सिवान से आते हैं तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र पे विशेष ध्यान देंगे, उद्योग धंधों पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे उद्योग धंधा लगाएंगे, रोजगार का विस्तार कर, रोजगार पैदा हो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये आश्वासन दिया जा रहा है। जी, मैं हुसैनगंज के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों से और अपने साथी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ, अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। मंत्री जी के आवास से और श्री अवध बिहारी चौधरी जी के आवास से हम लोग का जो नामिनेशन प्रक्रिया होगी, वहाँ पे सभी को हम लोग अपील करते हैं कि वो लोग आए और इनके हौसलों को बुलंद करें। ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इस साल। हाँ, हर जगह से इनका रिपोर्ट अच्छा रहा है, अच्छा रहेगा जी, अच्छा रहेगा। तो और आदमी तो नहीं है, गुमाला मनोज सिंह है, और क्या नाम है, रईस खान है, इन्हीं लोगों का नाम तो आ रहा है, लेकिन उनमें सबसे अच्छा यही रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे। हाँ, मौका मिल चुका है इनको। जी, हम लोग हुसैनगंज प्रखंड में पूरा दौरा कर रहे हैं,
और यहाँ नहीं, पूरे प्रखंड में, जो पूरे जिलों के प्रखंडों में जितने भी जनप्रतिनिधि, सब में चर्चा है, विनोद जायसवाल जी का चर्चा है और सारे लोग मुंड बना लिए हैं कि विनोद जायसवाल जी को लाकर ये और सिवान को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, और सारे प्रत्याशी में ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं, बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। हमारी अपील है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे पार्टी के लोग हैं सारे वहाँ पहुँचे और पहुँच कर इनका उत्साह वर्धक कर करने का काम करें सारे लोग। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, सबसे खास सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर 7766964414। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298789।